आपसे कुछ देर कबल तहरीक इंसाफ का सीनियर लीडरशिप की जो मीटिंग है वो ख़त्म हुई है, उसमें अहम फैसले जो हैं वो किए गए हैं और उन फैसलों की तफसील जो है वो मैं उससे आपको आगाह कर देता हूँ। सबसे पहले तहरीक इंसाफ जो सिंध के अंदर जो जिस तरीके से इलेक्शंस हुए हैं, जिस तरीके से धांधली की एक नई वहाँ पे मसालें कायम कर दी गई हैं, हम इन नतायज को, इन इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि इन इलेक्शंस के ऊपर एक मुकम्मल तहकीकात कराई जाए। जिस तरीके से इन इंतखाबात में सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए, जिस तरीके से इंतखाबात को पहले तो डिले किया गया, फिर वोटिंग की शरह को कम करने के लिए के एक बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत वजीर दाखिला राणा सनाउल्ला ने और खुद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बार बार कराची के शहरियों को ये कह के इन इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की कि यहाँ पे तो धमाके हो सकते हैं, हमारी अमन अमान की सूरत हाली बहुत खराब है। अब अगर जो हुकूमतें हैं अगर वही अपने शहरियों को डराने पे आ जाए और ये बताने पे आ जाए कि आपने घरों से नहीं निकलना, तो जाहिर है कि वोटिंग की शरह मुतासर होनी थी और वोटिंग की शरह उससे मुतासर हुई। और इसके बाद जो जिस तरीके से फॉर्म्स की तब्दीलियाँ हैं वो अब सारी वीडियोज आपके सामने हैं, आपने खुद देखा है कि किस तरीके से यहाँ पे ये कराची के जो इंतखाबात हैं उनको मुतासर किया गया, किस तरीके से कराची के इंतखाबात जो हैं उनको एक मजाक बनाया गया, इसको हम जो है वो मुस्तरद करते हैं। और आपने देखा कि कम से कम तीन दिन कराची ही के इंतखाबात के नतायज नहीं आ सके, वो नतायज इसलिए नहीं आ सके और आज पाकिस्तान के लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई हो गई कि क्यों इलेक्शन कमीशन ईवीएम की मुखालफत कर रहा था, क्यों एक पूरी लॉबी जो थी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त जो नून लीग और पीपल्स पार्टी क्यों ये कह रहे थे कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ना लेके आए, क्योंकि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती जो हमने बना ली थी और हम कह रहे थे इलेक्शन कमीशन को कि आप अगले इलेक्शन जो हैं वो ईवीएम के ऊपर लेके जाएं, अगर आप ईवीएम के ऊपर होते तो आपके नतायज तो अगले आधे घंटे में आ जाते और फिर आप वोट टेम्परिंग नहीं कर सकते, फिर आप फॉर्म टेम्परिंग नहीं कर सकते। और ये एक दफ़ा फिर रिमाइंडर है कि किस तरह से इन्होंने एक इलेक्शंस को रिक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं आने दी। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो है अब से कुछ देर के बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील जो है वो हो जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की जो तहलील की समरी है वो अब से कुछ देर के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला गवर्नर साहब को भिजवा देंगे। मैं गवर्नर साहब से उम्मीद करता हूं कि वो आइन के ऊपर अमल दरामद करेंगे और जिस तरह पंजाब के गवर्नर ने 48 घंटे इंतज़ार किया, आप इंतज़ार नहीं करेंगे और असम्बली को तहलील करके हम इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे। ये दोनों वो वादे थे जो इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी के जलसे में किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने ये तौफीक दी कि हम ये वादे जो हैं वो पूरे कर पाए। पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है क्लर्क की नौकरी कोई नहीं छोड़ता, उसके लिए जो है और आपको पता ही है जो एक्सटेंशनों के लिए जो जो कुछ होता है, ये इमरान खान और तहरीके इंसाफ है कि जिसने दो हुकूमतों को ठोकर मारी और कहा कि हम अवाम के पास जाएंगे वोट लेने, और ये तहरीके इंसाफ का एतमाद जाहिर करता है अवाम के ऊपर, ये तहरीके इंसाफ के उस कॉन्फिडेंस की अलामत है जो हम पाकिस्तान के अवाम के ऊपर रखते हैं और जो सपोर्ट पाकिस्तान के अवाम में इस वक्त तहरीके इंसाफ की है ये उसका एक इजहार है। लिहाजा आज दोनों असम्बलियाँ पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है वो भी तहलील हो जाएगी। हमने जो पार्लिमानी पार्टी है पंजाब के लिए वो मियाँ असलम साहब की सरकर्दगी में जो है वो कायम कर दी है और स्पीकर साहब जो हैं वो पार्लिमानी पार्टी का लिख देंगे। जो अभी अभी मुझे पता चला है कि नाम जो आए हैं हुकूमत की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ संजीदा नाम है, वो तो ज़ाहिर है एक मजाक ही है अगर उन्होंने यही नाम दिए हैं जो ज़ाहिर अभी हमें नहीं कम्युनिकेट हुए। हमने जो नाम दिए थे वो संजीदा नाम है,
और हम समझते हैं कि आप उन नामों के ऊपर इत्तेफाक राय होना चाहिए। आज मैं पहले इंटरव्यू सुन रहा था मलिक अहमद साहब का, उन्होंने भी कहा कि जो पीटीआई के नाम हैं वो संजीदा नाम है और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। मेरी नज़र में मैं आप भी दरख्वास्त करूँगा नासिर खोसा साहब से कि वो अपना फैसला तब्दील करें और इसके ऊपर ये पाकिस्तान के लिए एक उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। आई कैन इमेजिन के मुश्किल काम है, इसमें कंट्रोवर्सी होती हैं, सियासी कंट्रोवर्सीज हैं। नासिर खोसा साहब, अहमद नवाज सुखेरा साहब, दोनों बड़े क्रेडिबल नाम हैं। अहमद नवाज सुखेरा साहब ने हमारे साथ भी काम किया है और वो मौजूदा हुकूमत के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, तो वज़ीर आज़म का भी उन्हें पूरी तरह एतमाद हासिल है। और इसी तरह से नसीर साहब जो हमारा तीसरा नाम है, उनके ऊपर भी साहब का और जो बाकी इस वक्त हुकूमत में लोग शामिल हैं उनका करीबी उनसे एतमाद का ताल्लुक है, तो उनके ऊपर भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन जो दोनों ब्यूरोक्रेट्स हमने सेलेक्ट किए हैं, नासिर खोसा साहब और अहमद नवाज सुखेरा, पूरी ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो यकीनन उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर, उनकी जो एक कद है पाकिस्तान की सिविल सर्विस के अंदर, उससे वाकफ़ हैं। और मेरी ख्याल में वो उनमें से अगर किसी पर भी इत्तेफाक हो जाए ये बड़ा खुशाइंद होगा और हम इसके ऊपर जो है वो आगे बढ़े। इसके साथ साथ हमने आज जो इमरान खान साहब की जेआईटी के हो जिस तरीके से कवर अप किया जा रहा है उसके ऊपर सीनियर लीडरशिप ने बड़े अफसोस का इजहार किया है। हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल, पहले आप देखें इमरान खान के ऊपर हमला हुआ, 1867 से ये कानून है कि जो कंप्लेनेंट है वो एफआईआर करवाता है। 150 साल की तारीख में पहले इमरान खान और फिर आजम सवाती के लिए ये कानून तब्दील कर दिया गया। कंप्लेनेंट को हक नहीं है कि वो एफआईआर कराए, पुलिस खुद एफआईआर कराने चली गई। उसके बाद जेआईटी नहीं बनने दे रहे थे, बड़ी मुश्किल से जेआईटी बनी। उसके बाद जेआईटी के मेंबरान को ताकतवर हलकों की तरफ से पैगामात आए कि आपने ये करना है ये नहीं करना। जेआईटी वाले बेचारे जो हैं वो भाग गए। लोग जेआईटी का मेंबर बनने को तैयार नहीं है, ये इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ का हाल है, ये इस मुल्क में प्रेशर का हाल है। चाहे वो अरशद शरीफ का तहकीकाती कमीशन हो, उसका भी हाल आप देख ही रहे हैं जिस तरह से उनका वो चल रहा है, और ये इमरान खान का जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है इसमें भी आप देख लें। ये पाकिस्तान में, इसीलिए हमने पहले भी कहा था, हम फिर ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब, इमरान खान के ऊपर हमला कोई एक आम बात नहीं है, ये इसके नतीजे में पाकिस्तान को शदीद नुकसान होगा। पाकिस्तान की जो एक समझिए कि जो हमारी पॉलिटिकल एक हमारा जो माहौल है वही तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये इमरान खान जो पाकिस्तान के इंशाल्लाह अगले वज़ीर आज़म हैं, जिस तरीके से उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की गई है उसके ऊपर हम मुतमईन नहीं हैं, और हम ये समझते हैं कि जो तफ्तीश हो रही है उसके ऊपर हम मुतमईन नहीं हैं, और उसमें ज़रूरत है कि उसको चीफ जस्टिस साहब उसका नोटिस लें और इसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अब हमने जो मामला है असम्बलियों का, फेडरल गवर्नमेंट का, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दो असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं। अब हमारा तमाम तर फोकस ये है कि वफाकी हुकूमत जो है वो उसको घर भेजा जाए। हमारी ख्वाहिश ये है कि वफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठे और हम जॉइंटली एक इलेक्टोरल फ्रेमवर्क तय करें। पाकिस्तान की जो मईशत का क्राइसिस है वो बहुत बड़ा है, लेकिन वो डील हो सकता है, नामुमकिन नहीं है पाकिस्तान की मईशत को फिक्स करना। लेकिन उसकी पहली शर्त ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, एक सियासी इस्तेहकाम हो। अगर वो सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा पाकिस्तान को मुआशी स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठे और हम एक इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय करें। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि वफाकी हुकूमत के
लोग बज़िद हैं कि वो इलेक्शन नहीं कराएंगे। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि असम्बलियों के अंदर हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए और अब भी तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है, हाई कोर्ट का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसके नतीजे में इस वक्त सबसे बड़ी जो अपोजिशन की जमात है वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लिहाजा हम परवेज़ खट्टक साहब की सरबराही में हमने एक कमेटी तश्कील दे दी है जो कि स्पीकर के पास जा रही है और हम उनसे ये कह रहे हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, पार्लियामेंट्री लीडर और उसके साथ जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ये तीन जो ऑफिसेज हैं ये तहरीक इंसाफ के मेंबरान को दिए जाएं और उन्हें जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा इन तीन ओहदों के लिए। और उसके बाद इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत के जो गिराने का अमल है वो भी चंद ही हफ्तों में हम मुकम्मल कर सकेंगे। और इससे पहले मैं दोबारा ये कहता हूँ, हम गिराना नहीं चाहते, हम चाहते हैं आप हमारे साथ बैठ के इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय करें, लेकिन अगर आप नहीं मानते तो फिर देखिए पाकिस्तान से आगे तो कोई भी नहीं। हमें पाकिस्तान के लिए जो है इंशाल्लाह इस हुकूमत को घर भेजना होगा और पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो 90 दिनों से एक दिन भी आगे नहीं होने चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा ये करना चाहते हैं कि 90 दिन तो मैक्सिमम टाइम है। हम ये आपसे मुतालबा करते हैं कि आप रमज़ान शुरू होने से पहले पंजाब और केपी में ये इलेक्शंस करवाएं और इसी तरह से जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अगर जल्द डिसॉल्व हो जाती है तो फिर सारा प्रोसेस जो है वो रमज़ान से पहले मुकम्मल होना चाहिए। आज तक पाकिस्तान में सारे इलेक्शन जो हुए हैं वो 60 और 76 दिनों के दरमियान में हुए हैं। 35 दिन मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी इलेक्शन के कैंपेन की, लिहाजा बहुत अहम है कि आप ये इलेक्शन जो हैं ये फौरी तौर के ऊपर यहाँ कराएं और वो रमज़ान से पहले करवाएं ताकि लोग फिर इबादत में अपनी इस इत्मीनान के साथ जा सकें कि पाकिस्तान अब इंशाल्लाह महफूज हाथों में है और अल्टीमेट फैसला पाकिस्तान के लोगों को करना। प्रायोरिटी एरियाज भी बता दें जिस पे वर्किंग शुरू कर दें। देखना पहले तो ये मामला जाना है पार्लिमानी कमेटी के पास, पार्लिमानी कमेटी में ये डिस्कशन होगी। वैसे अभी तक हमें चूँकि ये नाम नहीं आए, मुझे ये लगता है कि ये किसी ने मीडिया में ऐसे जो है ना वो लतीफा छोड़ा है, मुमकिन नहीं है कि इतने गए। जो आहद चीमा साहब का आप नाम ले रहे हैं, आहद चीमा साहब तो नैब के केस में को एक्यूज नजर आए इनके शहबाज शरीफ के, और इसी तरह से जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो तो सारे करने कराने वाले हैं, तो ये लोग तो वैसे नॉन सीरियस होंगे और मेरा नहीं ख्याल कि इनके ऊपर कोई जो है वो कोई संजीदा बात भी हो सकती है। पार्लिमानी कमेटी में नाम तब्दील हो सकता है। परवेज खट्टक साहब को हमने ये कहा है, तो सुन लेना, परवेज खट्टक साहब को हमने ये कहा है कि वो अपना वो और आमिर डोगर जो हमारे चीफ व्हिप हैं इनको हमने ये कहा है कि आप स्पीकर साहब से मिलेंगे, आप उनसे ये कहेंगे कि ये तीनों ओहदे जो हैं वो हमें दिए जाएं। उसके बाद इमरान खान ज़ाहिर नॉमिनेट करेंगे तीनों ओहदों के लिए जो 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 है वो हमें। इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ पार्टीज़ में जो हमारे हम ख्याल हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आए या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए तो वो उसमें हमारा क्या ताबुन होगा। एक मिनट ख्वाजा साहब, हाउस में वापसी कब है आपकी? इसी सेशन में जो चल रहा है हाउस में वापसी का भी हमने फैसला नहीं किया, पहले ये तीनों ओहदे आ जाएँ फिर उसके बाद। किसके पास नहीं नहीं, पहली बात तो आप देखिए आर्टिकल 224 अगर आप पढ़ लें साथ, उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है केयर टेकर की वो सिर्फ एक है और वो ये है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन का कंसेंसस होना जरूरी है। जो डुअल नेशनलिटी वाला बंदा जो है वो भी बन सकता है और जो सर्विस में है वो भी बन सकता है, लेकिन अहमद नवाज सुगेरा साहब ने फैसला किया है कि वो जल्द रिटायरमेंट जो है वो इससे पहले ले लेंगे, लेकिन इसलिए वो जो क्वालिफिकेशन पार्ट है वो उन पर अप्लाई नहीं होता। मुस्लिम लीग नून के इंशाल्लाह काफ़ी लोग जो है वो एब्सटेन करेंगे, हमें जितनी ज़रूरत है वो पूरे हो जाएंगे। बार बार गाना ये बयान दे रहे हैं कि आप
ये राणा सना चुन्नू है या मुन्नू है? ये जो भी है ना, ये पहले बयान दे रहे थे कि वो लाहौर से नहीं जाएंगे जब तक पंजाब की हुकूमत पता नहीं कर लेंगे, और उसके बाद जो है ये आपने देखा ही है। मुझे तो जो हालात लग रहे हैं नून लीग के, मुझे तो लग रहा है राणा साहब को पंजाब की सदारत भी कुर्बान करनी पड़ेगी। अभी हमारी उनसे जो बात हुई थी, अभी सिर्फ हमने गुजरात और गुजरांवाला डिवीजन रिव्यू किया है, अभी चौ साहब ने कहा था कि ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा फिर हम बैठेंगे, तो उनको इंशाल्लाह पूरा अकोमोडेट करेंगे। बात साहब ये बताइए, जो नसीर अहमद खान साहब का नाम आपने दिया था, इनकी डुअल नेशनलिटी भी जो सामने आया दे दिया, पहले नहीं पता था इनकी डुअल नेशनलिटी? नहीं, डुअल नेशनलिटी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है 224 के। मैंने यही आपसे पहले अर्ज किया है कि 224(7) अगर आप पढ़ लें उसमें डुअल नेशनलिटी होना कोई डिस्क्वालिफिकेशन है नहीं। थैंक यू। इलेक्शन कमीशन का फैसला हतमी है, जाहिर है। आओ जी आओ।